लोचना यही विकास पंके रुह लोचनाय समेक्षणाय विषमेक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। अस्तु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और खूब आशीर्वाद आप सभी लोग यशस्वी बने और यश को प्राप्त करें। माता जी को प्रणाम करके आज की कक्षा आरंभ करते हैं। शुरू प्रारंभ करें माता जी। हमारा पिता हमारा। हाँ जी माता जी, तो इसके पहले हम गत कक्षा में चर्चा किए कि वैयाकरणों का मत। अब हमारा जो आगे ग्रंथ चलेगा उस ग्रंथ में हमारे नैयायिकों के बीच में और मीमांसकों के बीच में और वैयाकरणों के बीच में शास्त्रार्थ होना है। तो इसलिए हमने वैयाकरणों का सिद्धांत बता दिया था कि वैयाकरण क्या मानता है। तो वैयाकरण प्रतिज्ञात अर्थ वैयाकरणों का जो है वह प्रतिज्ञात अर्थ है, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो फिर बद्धम भवती के आधार पर वैयाकरण जो है कोई भी तिङन्त पद होता है। जैसे हम एक तिङन्त पद ले लीजिए पचति, एक बार सब लिख भी सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास ब्लैक बोर्ड का परिकल्पना नहीं कर पाया, नहीं तो कल से ब्लैक बोर्ड की परिकल्पना कर लेंगे होगा। तो पचति ये तिङन्त पद है। पचति तिङन्त इस पद में वैयाकरणों का भी हम सिद्धांत बता रहे हैं। पचति इस तिङन्त पद में जो है दो अंत पच ये धातुअंश है, प्रकृति अंश इसको कहते हैं, प्रकृति अंश पच है, और ती जो है वो प्रत्यांश है, तिङन्त है। अब देखिए पच धातु जो है उससे दो अर्थ आ गया। आप लोग लिख सकते हैं पच का अर्थ हुआ विकलित अनुकूल व्यापार, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। विकलित अनुकूल व्यापार वो पच से आया, पच ऊपर लिख दीजिए, पचति लिखिए, फिर लिखिए पच प्लस ती और पच से एक एरो देकर के यहाँ पर दो लिख दीजिए, एक दो, एक नंबर लिखिए विकलिति और अनुकूल जो है उसने जनक को संबंध है अनुकूलत्व और व्यापार दूसरा अर्थ। तो फल और व्यापार एक पच से आया, तो पच से क्या आया विकलित अनुकूल व्यापार। विकलित अनुकूल व्यापार निरूपित शक्ति पच में है, एक काल्पनिक शक्ति है सब जो है वैयाकरणों के यहाँ, वस्तुतः वाक्य स्फुट ही जो है मुख्य है, लेकिन पद में प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की गई है, वर्ण स्फोट की कल्पना की गई है। तो पच एक वर्ण स्फोट हुआ, पच माने कोई लोग कहते हैं कि प अ च अलग, ये वर्ण स्फोट नहीं है, पच जो जो अर्थ का बोधक है जिसमें शक्ति है वो पच, पच पूरा ये जो है वर्ण स्फोट है, ती पूरा वर्ण स्फोट है, त ये वर्ण स्फोट है ऐसा नहीं है। तो पच ये वर्ण स्फोट हुआ प्रकृत्यंश और प्रत्यांश जो है वो वर्ण स्फुट हुआ। तो पच से हम दो अर्थ ले आए, विकलित अनुकूल व्यापार, उसमें विकलित जो है वो फल फल है और उसका जनक व्यापार। ये है क्या चीज एक बार इसको समझ लीजिए। हम कहते हैं देवदत्त पचति, देवदत्त पचति या राम पचति, तो देवदत्त पकाता पाकक क्रिया कर रहा है, तो देवदत्त पचति कहने पर मतलब वो विकलित के अनुकूल व्यापार कर रहा है। तंडुलम पचति मान लो तो एक बटलोही है, बटलो कुकर है, तो उसमें ले करके सब कुछ उसमें जो है चावल को डाल दिया धो करके, तो चावल तो विकलित है क्या। पहले जो चावल जो है थोड़ा दुबला पतला था और जब सीटी लग गया पक गया तो उसमें विकलित हो गई, माने विकलित रूपांतर निष्पत्ति, विकलित रूपांतर निष्पत्ति, वो अन्य रूप जो है वो निष्पन्न हो गया। तो विकलित माने रूपांतर निष्पत्ति ही, अन्य रूप हो गया, पहले दुबला पतला था जब पका नहीं था तंदूर और जब पक गया तो मोटा हो गया, तो यही विकलिति, उसमें जो स्थूलत्व आ गया उसी का नाम विकलिति है, विकलेदन ऐसे उसको करके मसल देंगे तो वो जो है क्या कहते हैं दब जाएगा, पहले तो वो था
दब नहीं सकता था, दब जाएगा जो है, तो वही विकृति हुई है, उसी का नाम विकृति है। तो उसमें फल उत्पन्न हो गया, पहले वो फल नहीं था, अब फल आ गया, जब पतति कह देंगे तो। और दूसरा है वो जो विकृति माने अभी दुबला पतला से मोटा जो बन गया उसका अनुकूल, तो हमने बताया कि पच से आया विकृत अनुकूल व्यापार, अनुकूल जो है वो अनुकूल माने जनक, अनुकूल माने जनक, तो विकृति का जनक व्यापार, फल और विकृति जो फल है और जो व्यापार है, व्यापार क्या है उसको भी एक बार समझ लीजिए, फिर संबंध समझाते हैं। व्यापार कहते हैं कि चावल को धोने से लेकर के पाक क्रिया क्या है, विकृत अनुकूल व्यापार है क्या, चढ़ा माने चावल धोना आरंभ किया, चावल को धोने से लेकर के चढ़ाने चढ़ाने से लेकर के उतारने तक, जब तक वो जो है कुकर चीटी नहीं दे देता है तो उतारने, अधिश्रयणादारभ्य अधश्रयणम यावत सर्वे अवान्तर व्यापारा पचिर अर्थ है, ये कहते हैं यही यही व्यापार है कि चढ़ाने से लेकर के उतारने तक जो भी अवान्तर व्यापार है वो पच धातु का व्यापार हुआ। मतलब देवदत्त पकाने के लिए जो भी काम कर रहा है, हल्दी का मान लो दाल पका रहा है तो हल्दी डालने से हल्दी डाला, उसमें लवण आदि का प्रक्षेपण किया, सारा वो विकृत अनुकूल माने व्यापार ही हुआ, वो सारी क्रिया हुई, तो ये हुआ व्यापार। वो व्यापार जो करने से क्या हुआ, विकृत अनुकूल व्यापार माने चढ़ाने से लेकर उतारने तक हमने जो क्रिया किया है उसको करने से हुआ क्या, तो विकृति उत्पन्न हो गई, जो दुबला पतला था चावल अब वो मोटा हो गया, तो वो उसमें विकृति हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकृति हुई है, हमने जो व्यापार क्रिया किया था चढ़ाने से लेकर उतारने तक, वो चढ़ाने से लेकर उतारने तक जो क्रिया है व्यापार है वो जनक है विकृति का। तो इसीलिए कहते हैं कि फल जो है वो जन्म है और व्यापार जो है वो जनक है। तो विकृति जो हमारा हुआ उस फल हुआ उसका जनक जो व्यापार अनुकूल माने जनक, तो इसीलिए कहते हैं पचकार हुआ विकृत अनुकूल व्यापार, अनुकूल माने जनक, तो विकृति का जनक व्यापार कहिए और चाहे विकृत अनुकूल व्यापार कहिए एक ही चीज है, और विकृति फल है और जो है वो व्यापार अधिश्रेणादि जो है वो व्यापार है, ऐसे सभी धातुओं में होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि विकृत अनुकूल व्यापार में तो हमारा विकृत अनुकूल जो व्यापार है उसकी बोधिका, उसका बोधक कौन है, पच ये धातु, पच जो है ये धातु है, तो कहे इससे विकृत अनुकूल व्यापार ही क्यों होगा। तो ध्यान दीजिए, हम घट कहते हैं तो घट से घट तो घट से हमारा तीन अर्थ उसी प्रकार से आया कि घट घटत तो समुआए, तो क्यों घट घट से घट रूप अर्थ ही क्यों बोध होता है। एक चीज यहाँ समझ लीजिए जो हम बताना चाहते हैं, ज्यादा हम उसमें घूम के हम नहीं जाएंगे, जैसे घट एक घट शब्द है घ अ त अ और एक घट अर्थ है जो कम रिवाजमान अर्थ है, अथवा कप दीजिए, ये कप हमने कह दिया, साधु शब्द नहीं है साधु शब्द, कप माने क अ प अ कप, ये कप है तो ये अर्थ है, और कप क अ प अ जो है वो शब्द है, तो ये हुआ अर्थ, और कप जो जो हम बोल रहे हैं हुआ शब्द ध्वनि, बस कप या कहूँ क्या ध्वनि शब्द नहीं है, इसका भी एक जो है स्फोट आत्म शब्द है वो अलग है, अभी ये जो शब्द कह रहे हैं वो आपको सामान्य बोध के लिए कह रहे हैं। तो कप जो हमारा या घट हुआ, तो घट जो एक अर्थ हुआ और घट एक जो है शब्द हुआ, तो शब्द से अर्थ की उपस्थिति होती, जो शब्द है ना उसको कहते हैं शक्त, शक्ति का आश्रय, उस शब्द में शक्ति होती है और अर्थ जो होता है वो शक्य होता है, माने अर्थ निरूपित शक्ति शब्द में होती है और शब्द से अर्थ की उपस्थिति होती है। ये घट शब्द अभी बता रहा था पच है, तो पच शब्द में से विकृत अनुकूल व्यापार ही क्यों हुआ, उत्तर के सहयोगानुकूल व्यापार अर्थ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शक्ति नहीं, विकृत अनुकूल व्यापार निरूपित शक्ति माने विकृत अनुकूल व्यापार रूप अर्थ की शक्ति, निरूपित करने से थोड़ा सा आप लोगों को हो जाता होगा जो है, तो विकृत अनुकूल व्यापार रूप अर्थ की बोधिका शक्ति
पद धातु में उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार अर्थ की अर्थ की बोधिका शक्ति गम में, गम में उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार अर्थ, तो जिसमें जो शक्ति है, अच्छा जैसे आँख है ना, तो आँख जो है ये सुन क्यों नहीं सकता, क्योंकि इसमें सुनने सुनने की शक्ति नहीं है, इसमें रूप ग्रहण योग्यता शक्ति है, शब्द ग्रहण योग्यता शक्ति नहीं है। उसी प्रकार से हर शब्दों में वो शक्ति निहित की गई है कि इस शब्द से इस अर्थ का बोध होगा, तो सभी शब्दों में शक्ति का नियमन किया गया है। ठीक, तो पट धातु में उसी प्रकार से विकलित अनुकूल व्यापार रूप अर्थ की बोधिका शक्ति पच में है, तो इसलिए पच से विकलित अनुकूल व्यापार रूप अर्थ आएगा। और ये जो अनुकूल है, अब इसमें फल व्यापारियों में ये हम बता रहे हैं, इसलिए कि आगे जो हम बताने वाले हैं उसको आप तभी समझेंगे जब शक्ति वगैरह समझेंगे कि ये अनुकूलत अनुकूल क्या है, कैसे आ गया जो है। तो ये जो अनुकूलत अनुकूल जो है अनुकूलत संबंध है, तो फल एक अर्थ हुआ, व्यापार अधिश्रेण आदि व्यापार दूसरा अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ हुआ करके अब उसकी व्यापार रूप अर्थ की बोधिका शक्ति पथ में है, तो इसलिए पथ से विकलित अनुकूल व्यापार रूप अर्थ आएगा। और ये जो अनुकूल है, अब इसमें व्यापारियों में ये हम बता रहे हैं कि आगे जो हम बताने वाले हैं इसको आप कभी आवाज रिटर्न हो रही है, आवाज आ रही है क्या? हेलो, आ रही है गुरुदेव? मुझे तो आ रही है, आ रही है गुरुजी, आवाज आ रही है मुझे तो, मुझे ध्वन्यंतर आ रही थी, मुझे नहीं सुनाई पड़ रही थी मेरी आवाज, आ रही है गुरुजी आपकी आवाज आ रही है? ठीक आ रही है आवाज जी, ठीक आ रही है, सबकी आवाज आ रही है, सबकी आवाज बंद कर रहे हैं जी, जी माता जी सबकी आवाज आ रही है, सबकी बंद कर रहे हैं। हां जी माता जी सबकी आवाज, केवल आपकी आवाज आएगी, किसी की नहीं आएगी। हाँ नहीं नहीं, वो मेरी ही आवाज मुझे सुनाई पड़ रही थी माता जी, जी माता एक मिनट का, सबकी बंद करो ना भाई, सबकी बंद कर दे। तो फल और व्यापार तो कहने का मतलब हुआ कि पच इस शब्द में, इस प्रकृति अंश में विकलित के अनुकूल व्यापार रूप अर्थ की बोधिका शक्ति पच में है, और पच से विकलित के अनुकूल व्यापार आएगा। विकलित के अनुकूल व्यापार में अब देखिए, एक होता है पदार्थ, एक होता है पदार्थ, एक होता है पदार्थ का एक देश। तो अब फिर ध्यान दीजिए, पदार्थ जो होता है ना, पदार्थ और पदार्थ का एक देश, जैसे घट है, घट शब्द है, तो घट शब्द से जो है वो दो तीन अर्थ आए, एक घट रूप अर्थ आएगा, घट शब्द में शक्ति किसकी है, घट रूप अर्थ की शक्ति है, और घटत्व रूप अर्थ की शक्ति बोधिका शक्ति है, और समवाय संबंध की बोधिका शक्ति है। तो इसीलिए घट कहने से समवाय संबंध है ना, घटत्व विशिष्ट घट ये बोध होता है। तो घट शब्द में घट घटत्व और समवाय इसकी जो है घट शब्द में शक्ति है, इसीलिए घट घटत्व समवाय रूप अर्थ आता है। इसमें घट जो है वो पदार्थ है, पदार्थ कहते हैं कि जो विशेष रूप अर्थ है, माने जैसे घट कह दिया तो घट से तीन अर्थ आ गया, घट घटत्व समवाय, तो घट रूप घट घटत्व समवाय में समवाय संबंध है दोनों का, घटत्व और घट का संबंध है समवाय, और घटत्व जो है वो विशेषण होता है घट में, जाति घट की घट में घटत्व जाति रहती है, तो विशेष से हमारा कौन है, विशेष से घट है, और विशेषण कौन है, विशेषण हमारा हुआ घटत्व घट में। तो ये जो घटत्व है ये इसको कहते हैं पदार्थावच्छेदक, ये पदार्थ नहीं है। तो घट से जो तीन अर्थ आया, घट घटत्व और समवाय, तो घट घटत्व समवाय में घट ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, ध्यान दीजिए। घट घटत्व समवाय तीन अर्थ भले आए, घट से तीनों अर्थ आए थी, लेकिन उसमें घट जो है वो विशेष है, घटत्व प्रकार है, समवाय संबंध है। तो घट जो विशेष है वो हमारा पदार्थ है,
और घटत्व जो है वो पदार्थावच्छेदक है, पदार्थावच्छेदक पदार्थ नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो अब जो है यहाँ पर कहते हैं कि जो उसी प्रकार से पथ से विकलित अनुकूल व्यापार आया, विकलित फल जो है वो व्यापार में विशेषण है, व्यापार विशेष है और अनुकूलत संबंध है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से तीन, जैसे घट से घट घटत समूह आए, घट एक ही पदार्थ है घट पदार्थ, यहाँ पर विकृति भी है, पद से विकृति अर्थ आया, पद से विकृति और व्यापार अधिशयनादि व्यापार और उनका अनुकूलत माने जनकत्व संबंध। लेकिन यहाँ पर क्या है, फल जो है वो विकृति जो है वो अलग पदार्थ है और व्यापार अधिशयनादि अलग पदार्थ है, तो यहाँ पर दो पदार्थ है और अनुकूलत जनकत्व संबंध है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिए। पथ से आने वाले जो तीन अर्थ या जो भी धातु होगा, किसी भी धातुओं से आने वाले जो तीन अर्थ हुए वो फल व्यापार और जो संबंध, उनपे दो पदार्थ होते हैं, दो अलग अलग पदार्थ होते हैं प्राचीन वैयाकरणों के मत से, वहां पर जो है दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। इस बात को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जो है एक कैसे दोनों पदार्थ हैं, एक वृंत गत न्याय को लिख लीजिए, एक वृंत गत फल स्वयं न्याय न खंडसा शक्ति, एक वृंत गत फल स्वयं न्याय न खंडसा शक्ति का मतलब क्या है कि जैसे एक डंठल है, एक डंठल हुआ आम के वृक्ष में, डंठल लगा हुआ है, उस डंठल में दो फल लगे हुए हैं आम का दो फल, एक डंठन एक है लेकिन फल जो है उसमें दो अलग अलग फल है, तो जिस प्रकार से दो अलग अलग फल वहां पर होते हैं उसी एक वृंत में, उसी प्रकार एक वृंत में एक डंठल में लगे हुए एक आम का जो है डंठल जो है उसमें जैसे जिस प्रकार से आम के दो अलग अलग फल हैं, उसी प्रकार से यहां पर भी पथ से उपस्थित होने वाले जो दो हमारे अर्थ हैं, जो एक हुआ फल विकृति और दूसरा हुआ जो व्यापार, वो दोनों अलग अलग जो है पदार्थ होंगे। जैसे दो अलग अलग एक डंठल में फल लगे उसी प्रकार से यहाँ पर दो पदार्थ होंगे, एक पदार्थ नहीं है। जैसे घट से तीन अर्थ आया लेकिन पदार्थ एक है, यहाँ पर तीन अर्थ आएगा और पदार्थ दो होंगे, फल भी विकृति भी पदार्थ है और व्यापार भी पदार्थ है, तो दोनों अलग अलग पदार्थ यहाँ पर होंगे जो है। तो विकृत के अनुकूल इसी को कहते हैं एक वृंत गत फल स्वयं न्याय न खंडसा शक्ति, तो एक शक्ति से उपस्थित होने वाले दोनों अलग अलग अर्थ हैं, दोनों अलग अलग विशेष्य हैं, दोनों अलग अलग साप्तबोधी विशेषता नहीं होगी, उपस्थिति विशेषता दोनों में है। शास्त्रीय रीति से यदि कहना चाहेंगे तो देखिए शाब्दबोध में कोई विशेष होता है, शाब्दबोध में कोई प्रकार होता है, तो शाब्दबोध में जो विशेष होगा उसमें शाब्दबोधी विशेषता होगी, शाब्दबोध में जो प्रकार होगा या विशेषण होगा उसमें शाब्दबोधी प्रकारता रहेगी। उपस्थिति जरूरी नहीं है कि शाब्दबोध में जो हमारा विशेष प्रकार हो और उपस्थिति में भी वो प्रकार ही हो, ऐसा नहीं है, उपस्थिति में विशेष भी शाब्दबोध में प्रकार बन जाता है, तो इसलिए शाब्दबोध में प्रकारता, तो शाब्दबोधीय प्रकारता शाब्दबोधीय विशेषता ये दोनों जो है वो हमारे क्या कहते हैं, दोनों शाब्दबोधीय विशेषता शाब्दबोधीय प्रकारता अलग चीज है, उपस्थिति विशेषता उपस्थिति प्रकारता अलग है। तो यहाँ पर उपस्थिति प्रकारता विशेषता क्या है, शाब्दबोधी प्रकारता वो क्या है, जैसे एक बात और समझ लीजिए तब आगे यहाँ की पंक्ति लगेगी जो हम बताना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा इसकी भूमिका हम बना रहे थे। जैसे देखिए नीलो घट है, तो नीलो घट कहने से नील से हमारा नील नीलत्व समुहाय आया, नील पद से जैसे घट से घट घटत्व समुहाय ऊपर था बताया अभी,
उसी प्रकार से नील से नील नीलत्व समवाय आएगा, तो नील पद से उपस्थित जो होंगे तब उपस्थित अर्थ हुए नील नीलत्व समवाय, घट पद से उपस्थित अर्थ हुआ घट घटत्व समवाय। तो उपस्थिति में अब ध्यान दीजिए, तब जब उपस्थित हो रहे हैं पदार्थ नील से नील नीलत्व समवाय, तो उपस्थित तो नील में उपस्थिति विशेषता है, नीलत्व में उपस्थिति प्रकारता है, और नील नीलत्व का जो समवाय संबंध है उपस्थिति संसर्ग है, तो संसर्ग में संसर्गता संसर्गता रहेगी। इसको संसर्गता विशेषता इसको आप बहुत कठिन मत समझिए, क्यों नहीं समझिए, जैसे देखिए एक बात एकदम सरल ढंग से हम समझाते हैं, जैसे क्योंकि आगे हमारा ग्रंथ उसी ढंग से चलेगा जब तक विशेषता प्रकारता क्या कहते हैं साध्यत्व ये सब नहीं समझेंगे तब आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे जड़ है ना, तो जड़ में रहने वाले धर्म को जड़ता कहते हैं, मूर्ख में रहने वाले धर्म को मूर्खता कहते हैं, मूर्ख में रहने वाला धर्म मूर्खता, ब्राह्मण में रहने वाला धर्म ब्राह्मणता या ब्राह्मणत्व कहिए, नहीं क्षत्रिय में रहने वाला धर्म क्षत्रियता या क्षत्रियत्व कहिए। तो उसी प्रकार से विशेष में रहने वाले धर्म को विशेषता कहते हैं, प्रकार में रहने वाले धर्म को प्रकारता कहते हैं, और शाब्दबोध ही जोड़ दो, शाब्दबोध में जो प्रकार है उसमें शाब्दबोध ही प्रकारता रहेगी, शाब्दबोध में जो विशेष होगा उसमें शाब्दबोध ही विशेषता रहेगी, उपस्थिति में जो विशेष होगा उसमें उपस्थिति विशेषता रहेगी, उपस्थिति में जो विशेषण होगा उसमें उपस्थिति विशेषणता रहेगी, उपस्थिति में प्रकार होगा उपस्थिति प्रकारता रहेगी। तो अब देखिए तो जड़ में जड़ता विशेष में विशेषता, तो अब देखिए तो नीलो घटा कहने से तो नील से हमारा उपस्थित हुआ नील नीलत्व समवाय, तो उपस्थित जो अर्थ हुआ तो इसी को कहते हैं उपस्थिति विशेषता उपस्थिति प्रकारता। अब नील नीलत्व समवाय हमारा नील पद से उपस्थित हुआ, नील पद से उपस्थित होने वाला जो नील है तो उसमें उपस्थिति विशेषता है, क्योंकि उपनिषद से बन रहा है उपस्थिति में, नीलत्व में उपस्थिति प्रकारता रहेगी, और समवाय में नील नीलत्व का जो समवाय है उपस्थिति संसर्गता रहेगी जो है। उसी प्रकार से घट में उपस्थिति हमारा जो है विशेषता रहेगी, घटत्व उपस्थित हुआ घटत्व में उपस्थिति प्रकारता रहेगी, और समवाय जो है उसमें उपस्थिति संसर्गता रहेगी। तो कहने का मतलब हुआ, और जब हम शाब्दबोध करेंगे मिला करके, जब हम इनका बोध करने जाएंगे कि नीलो घटा कहने से बोध क्या हुआ, तो नीलो घट कहने से बोध होता है अभेद संबंध से, तो नील और घट का अभेद संबंध है, और नील अभेद संबंध से नील विशिष्ट घड़ा। तो अब जहां पर नील से विशिष्ट जब हम शाब्दबोध करने जाएंगे तो अब घट हमारा विशिष्ट बनेगा और नील प्रकार बनेगा, तो नील में उपस्थिति विशिष्टता है और शाब्दबोध ही प्रकारता है, तो शाब्दबोध में प्रकार बनेगा हमारा जो क्या कहते हैं घट है, घट में उपस्थिति उपस्थिति में भी विशेष है इसलिए उपस्थिति विशेषता भी उसमें है, और शाब्दबोध में भी विशेष बनता है तो शाब्दबोध ही विशेषता भी है इसलिए शाब्दबोध ही विशेषता उसमें हो गई। तो इसलिए कहते हैं तो शाब्दबोध ही नील में प्रकारता है उपस्थिति हमारा विशेषता है, घट में शाब्दबोध ही प्रकारता भी है क्योंकि शाब्दबोध में क्षमता शाब्दबोध ही विशेषता है क्योंकि शाब्दबोध में विशेष बनता है, विशेष में विशेषता रहती है तो शाब्दबोध में विशेष है तो शाब्दबोध ही विशेषता, और उपस्थिति में भी घट जब ऊपर घट किन कौन कौन अर्थ आया घट घटत्व समूह तो घट जो है उपस्थित हो रहा है विशेषत्व ना तो उपस्थिति विशेषता भी रहेगी घट में, तो घट में उपस्थिति विशेषता और शाब्दबोध ही विशेषता दोनों हो गई। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रकृत स्थल में, प्रकृत स्थल में जो है हमारा जो है अब एक बात और समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात हो गया कि जैसे घट से उपस्थित अर्थ हुआ घट घटत्व समवाय, तो यहाँ पर भी घट विशेष है घटत्व प्रकार है और समवाय संबंध है, तो ये जो समवाय संबंध है जो हमारा समवाय संबंध है ये समवाय संबंध संबंध को दो प्रकार से समझिए, एक संबंध होता है वृत्ति भाव से, वृत्ति भाव मतलब शक्ति भाव से, और एक संबंध है आकांक्षा भाव, तो वृत्ति भाव से और आकांक्षा भाव से, आकांक्षा वृत्ति भाव से कौन है तो शक्ति से उपस्थित जो
संसर्ग होगा। तो अभी हम बता रहे थे कि घट कहने, घट शब्द को कहने से, घट शब्द कहने से घट घटत्व समवाय रूप अर्थ उपस्थित हुआ। तो घट घटत्व समवाय रूप जो घट कहने से घट घटत्व समवाय रूप जो हमारा अर्थ उपस्थित हुआ हुआ, उसमें जो समवाय है उस समवाय की शक्ति की तरह उपस्थित हो रही है। शक्ति अरे समवाय संबंध की शक्ति ही है, किसमें? समवाय संबंध की शक्ति घट शब्द में है, घट शब्द से ही समवाय की उपस्थिति हो रही है। शक्तिया शक्ति के द्वारा भी शक्ति बता रहा था कि घट शब्द से घट घट समवाय रूप का बोध करना चाहिए। तो बताया अभी शब्द में शक्ति है, तो उस शक्ति के द्वारा हमारा जो है घट घट समवाय रूप अर्थ की उपस्थिति हुई है। तो समवाय संबंध जो है ना उस वृत्ति भाव से शक्ति भाव से हुआ, तो इसी को कहते हैं शक्ति भाव संबंध। और जो है वृत्ति भाव संबंध कहिए या शक्ति भाव संबंध कहिए, एक ही चीज है। तो वृत्ति भाव संबंध हुआ। अब जो है एक चीज और समझ लीजिए, आकांक्षा भाव से दो संबंध हम बताएंगे यहाँ पर जो है। तो एक वृत्ति भाव संबंध हुआ, शक्ति भाव संबंध जो हमारा घट शब्द से उपस्थित, एक शब्द के द्वारा उपस्थित जो हमारा अर्थ हुआ। अभी यहाँ पर अलग बात है, तो घट शब्द से हमारा उपस्थित जो शक्ति के द्वारा उपस्थित संसर्ग हो जो है वो शक्ति भाव संसर्ग। और जैसे हमारा नीलो घटा में है तो नील और घट का अभेद है, तो नील घट का, तो अब ध्यान दीजिए नील कहने से तो कौन अर्थ आया था? नील नील समवाय। और घट को कहने कहने से कौन अर्थ आया? घट घटत तो समवाय। तो न और हमारा जो है शब्दबोध में अभेद भाषित होता है कि अभेद संबंध है ना नील विशिष्ट घट कहते हैं। तो ये जो अभेद संबंध है, ये जो अभेद संबंध है नील और घट का, वह न नील पद का अर्थ है और न घट पद का अर्थ है। जैसे घट कहने से समवाय घट घटत तो समवाय, समवाय संबंध किसका अर्थ है? तो घट का अर्थ है, तो घट का अर्थ है इसलिए वो शक्ति भाव से है, वृत्ति भाव संसर्ग हुआ, समवाय संसर्ग। लेकिन जो नीलो घटा में जो अभेद है वह अभेद न नील का अर्थ है, क्योंकि नील का अर्थ तो नील नीलत्व तो समवाय है, घट का अर्थ तो घट घटत तो समवाय है। तो जो अभेद है वह न नील का अर्थ है और न घट का अर्थ है, वो दोनों का अर्थ नहीं है, न नील का अर्थ है और न घट का अर्थ है अभेद। तो अभेद का अभेद संसर्ग का बोध होगा कैसे? शक्ति के द्वारा उपस्थित हुआ नहीं, तो ऐसे स्थलों के लिए कह दिया आकांक्षा भाष संसर्ग है। आकांक्षा भाष का मतलब आकांक्षा माने अभी वृत्ति, भाष माने वृत्ति माने शक्ति, शक्ति के द्वारा भाष माने बोधित होने वाला जो संसर्ग है वो शक्ति भाव से है। जैसे घट से समवाय का बोध होता है तो शक्ति भाव से होगा, नील से नील नील तो समवाय में जो समवाय है वो समवाय क्या है? शक्ति भाव से, वृत्ति भाव से संसर्ग हुआ। लेकिन हमारा नील और घट का जो अभेद संबंध है उसमें न नील पद की शक्ति है न घट पद की शक्ति है, तो बोध हो कैसे उसका? कहते हैं कि न नील पद की शक्ति है न घट पद की शक्ति है, तो उसको कहते हैं आकांक्षा भाव से संसर्ग। तो वो आकांक्षा के द्वारा भाषित होगा। आकांक्षा है क्या चीज? तो कहे कि जब आकांक्षा कहते हैं स्वाप्यवहित पूर्ववर्तित्व स्वाप्यवहित उत्तरत्व, माने इसको सरल भाषा में कहेंगे कि घट पद के अव्यवहित पूर्व में जब नील पद होगा या नील पद के बाद नील शब्द के बाद अव्यवहित उत्तर में जब घट पद होगा तो अभेद भाषित होगा। इसी को कहते हैं स्वाप्यवहित पूर्ववर्तित्व स्वाप्यवहित उत्तरत्व, मैंने घट पदाव्योहित पूर्ववर्तित्व और घट नील पदाव्योहित उत्तरत्व आकांक्षा, इसे कहते हैं यही आकांक्षा है। तो आकांक्षा भाव संसर्ग हो गया। ठीक, तो ये कह दिया जो है ये अभिहितान्वयवादियों के मत से ये हमारा जो है बात चली कि हमारा जो है ये आकांक्षा भाव से। उसी अभी अन्विता विजनवादी का ऐसा नहीं है, जो है वो कहता है कि नीलो घटा जो वाक्य है ना उस वाक्य की शक्ति है। वैयाकरण भी कहता है कि नीलो घटा जो वाक्य है उस वाक्य के द्वारा अभेद नील और घट सभी अर्थों की उपस्थिति होती है। यह हो गया अन्विता विधानवादी का मत से, वाक्य में ही शक्ति मानते हैं तो शक्ति भाव तो भी हो जाएगा, वो अलग कथा है।
तो अभी जो हम चल रहे हैं, जो हम अब कुछ यहाँ पर शास्त्रार्थ की बातें बताने वाले हैं, वो हमारा जो है अभिधान्वय भाग को लेकर के हमारा जो है चल रहा है कि अलग अलग जब हम जो है क्या कहते हैं चलेंगे कि नील से ये अर्थ आएगा, घट से ये अर्थ आएगा, तो कैसे वो संसर्ग बोध होगा, तो उसके लिए होगा। तो कहने का तात्पर्य होगा कि जब दो पदों के द्वारा इसको निष्कर्षता इस प्रकार से समझ लीजिए कि दो पदों के द्वारा जब दो पदार्थ होंगे, उन दोनों पदार्थों का जो संसर्ग होगा वो आकांक्षा भाव से ही होगा, उससे अतिरिक्त नहीं हो सकता। जैसे नील अलग पद है, घट अलग पद है, तो दो अलग पदों के द्वारा उपस्थित होने वाले जो नील रूप अर्थ है और पदार्थ है, वो भी पदार्थ है, बताया था पदार्थ वो भी है और ये भी पदार्थ है, क्योंकि उपस्थिति में जो विशेषता है उसी को पदार्थ कहते हैं। उपस्थिति विशेषता आश्रय को ही पदार्थ माना जाता है, यहाँ पर उपस्थिति विशेषता का आश्रय, तो उपस्थिति में नील भी विशेषता का विशेषता, नील में भी विशेषता है और उपस्थिति विशेषता जो है घट में भी है, इसलिए दोनों पदार्थ है। तो उपस्थिति विशेषता का आश्रय जो है वो नील और घट दोनों होते हैं, तो इसलिए दोनों हमारे पदार्थ हैं। तो दोनों पदार्थ हो गए, तो दो पद के द्वारा उपस्थित होने वाले जब दो पदार्थ होंगे, उनका जो संसर्ग होगा वो तो आकांक्षा भाग से ही होगा, जैसे नीलो घट पीतो घट जो भी जहां भी होगा, जो है राज देवदत्त गच्छति देवदत्त और टीका, तो ये जो संसर्ग होते हैं जो है वो हमारा दो पदों का जब संबंध कर बनाएंगे तो वो समझो दो पदों के बड़ा उपस्थित दो पदार्थों का संसर्ग ये आकांक्षा भाग से ही होता है, अन्य नहीं हो सकता। और एक पद के द्वारा उपस्थित होने वाले दो पदार्थ जो होंगे, उन दो पदार्थ, तो अब जब दो पदार्थ कब होंगे, एक पद के द्वारा उपस्थित होने वाले एक भी पदार्थ रहता है, एक पदार्थ का और एक पदार्थ अवच्छेदक का जो संसर्ग होगा, ये घट से, घट से उपस्थित जो दो अर्थ हो रहे हैं, लेकिन पदार्थ हमारा एक ही है घट पदार्थ, घट पद के द्वारा उपस्थित होने वाला घट घटत्व दो अलग पदार्थ नहीं है, घट घटत्व एक ही, घट घटत्व में घट ही पदार्थ है क्योंकि विशेषता का आश्रय वही है, घटत्व जो है वो पदार्थ का एक देश कहलाता है, तो घटत्व पदार्थ का एक देश है। तो यहाँ पर घटत्व का समवाय संबंध घट में है, तो इसका मतलब पदार्थ का पदार्थ के साथ संसर्ग नहीं है, बल्कि पदार्थावच्छेदक का संसर्ग पदार्थ में, तो पदार्थावच्छेदक का जब संसर्ग होगा तो वहां पर हमारा क्या होगा, वो हमारा जो है घट घट से उपस्थित होने वाला जो समवाय संसर्ग होगा वो पदार्थावच्छेदक का संसर्ग है, इसलिए वो जो है वृत्ति भाव से शक्ति भाव से है। अब प्रकृत स्थल में आइए, प्रकृत स्थल में जो है तो एक एक वाक्य देख लीजिए कि हमारा घट कहने से घट नित्यो घट ये प्रयोग नहीं होता है, नित्यो घट जो है ये प्रयोग नहीं होता है, नित्यो घट ये प्रयोग क्यों नहीं होता है, तो नित्यो घट प्रयोग इसलिए नहीं होता है कि भैया घट जो है वो हमारा अनित्य है, घट रूप अर्थ में जो है नित्य अर्थ के अन्वय की योग्यता नहीं है, घट नित्य नहीं है, घट अनित्य है। अभी गिरेगा घट है यहाँ पर रखा है, अब गिरा फूट जाएगा, तो फूट गया तो जो है वो क्या कहते हैं नष्ट हो गया, अनित्य है, तो घट रूप अर्थ जो है वो अनित्य है, घट रूप अर्थ अनित्य है, लेकिन घट में रहने वाला जो जाति है घटत्व वो तो नित्य है। तो कह दिया कि नित्य जो है हम घट में अन्वय नहीं करेंगे, नित्य का अन्वय हम जो है वो घटत्व में कर ले, तो घटत्व में तो नित्यान्वय योग्यता तो है ही, तो नित्यान्वय योग्यता घटत्व में है, तो इसलिए घटत्व में अन्वय करके नित्यो घट ये प्रयोग कर ले। तो कहे कि नहीं, उसके लिए एक नियम है, लिख लीजिए सभी लोग, उसके लिए नियम है पदार्थ पदार्थे न अन्वेति न तु पदार्थ एक देशे न, ये लिख लीजिए पदार्थ पदार्थे न अन्वेति न तु पदार्थ एक देशे न, पदार्थ इसका मतलब हुआ कि पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है, पदार्थ के एक देश के साथ अन्वय नहीं होता है, पदार्थ का एक देश बताया पदार्थावच्छेदक जो है वो पदार्थ का एक देश है, जो घटत्व जो है वो पदार्थावच्छेदक पदार्थ का एक देश है, पदार्थ नहीं, तो पदार्थ तो हमारा है एक नित्य पदार्थ हुआ, और दूसरा पदार्थ हुआ घट पदार्थ,
तो घट में तो घट में अन्वय कर नहीं सकते क्योंकि नित्य अन्वय योग्यता नहीं है। पदार्थ पदार्थ से नन्वय थी न तो पदार्थ से न, ये नियम जो है भंग होने लगेगा। इस नियम के भंग के क्योंकि घटत्व में अन्वय हम नहीं कर सकते, घटत्व में अन्वय क्यों नहीं, क्योंकि पदार्थ नहीं है घटत्व पदार्थ था, क्योंकि जो पदार्थ नहीं है क्योंकि उपस्थिति में विशेष नहीं है घटत्व, उपस्थिति में विशेषण है, घटत्व विशेषण बनता है। तो उपस्थिति प्रकारता श्रय है घटत्व, उपस्थिति प्रकारता, उपस्थिति प्रकारता श्रयत्व घटत्व में है, उपस्थिति प्रकारता श्रय जो है घटत्व है, उपस्थिति विशेषता श्रय ही पदार्थ होता है ये मैं बताया था। तो यहाँ पर जो है पदार्थ घट है, घटत्व जो है वो हमारा पदार्थ नहीं है, तो पदार्थ पदार्थ इसलिए नित्यो घट ये प्रयोग नहीं होता है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्रकृत स्थल में हमारा जो है पट धातु है, तो कह दिया कि पट धातु है, पट धातु से हमारे दो अर्थ आ गए, कौन कौन दो अर्थ आ गए, विकृति अनुकूल और व्यापार। तो ये जो अनुकूलत्व संबंध है ना, तो कहे कि ये वृत्तिवाद संसर्ग है कि आकांक्षावाद संसर्ग है, तो ये आप जान लीजिए ये आकांक्षावाद संसर्ग है, वृत्तिवाद नहीं है। क्यों कहे, क्यों वृत्तिवाद नहीं है, कहे भैया ये जो अनुकूलत्व है ना इसकी उपस्थिति जो होगी वो हमारा जो है क्या कहते हैं वो ये जो अनुकूलत्व संबंध है या जनकत्व संबंध है ये दो पदार्थों का संसर्ग है। यहाँ पर फल जो है अभी बताया था एक वृंतगत फल न खंड सकती है, इसीलिए बताना था जैसे एक दंफल में दो फल लगे रहते हैं, दो हमारे अलग अलग जो है दो अलग अलग फल हुए, उसी प्रकार से पच से उपस्थित होने वाला ऐसा जितने भी धातु हुए हैं सभी में लगेगा। तो पच से उपस्थित होने वाला जो विकृति और जो व्यापार है वो दोनों अलग अलग पदार्थ होंगे, उपस्थिति में विशेष से हमारे जो है वो दोनों बनेंगे, फल भी उपस्थिति में विशेष से बनेगा, विशेषता श्रय विकृति में भी रहेगी और उपस्थिति विशेषता श्रय जो है वो हमारा व्यापार भी होगा। इसलिए इन दोनों का जो संसर्ग है अनुकूलत्व संसर्ग वो हमारा जो है क्या होगा, वो हमारा आकांक्षा भास संसर्ग है, वो हमारा वृत्ति भास संसर्ग नहीं है। तो अब यहाँ संदेह करते हैं कि ऐसा है कि और एक एक बात दूसरी बात एक ये भी समझिए कि जैसे हम गत कक्षा में बताए थे कि विकृति अनुकूल व्यापार, तो अब विकृति में देवदत्त तंडुलम पचती, तो देवदत्त तंडुलम पचती में देवदत्त करता है, तंडुलम ये जो है कर्म है और पचति ये क्रियापद से उपस्थित होने वाला, पथ से उपस्थित होने वाला जो अर्थ हुआ वो हमारा विकृत अनुकूल व्यापार है। तो जो हमारा तंडुल है ना वो तो कर्म है, तो हम बताए थे कि कर्म का जो अन्वय होता है वो किसमें होता है, कर्म का अन्वय जो होता है वो फल में होता है और कर्ता का अन्वय जो होता है वो क्या कहते हैं व्यापार में होता है, और भी साक्षात नहीं होता है। एक चीज और समझ लीजिए आप, साक्षात क्यों नहीं होता है, साक्षात नहीं होता है जैसे तंडुल का, तंडुल का आप जो है यदि करना चाहोगे तो क्या विकृति में अन्वय तो नहीं होगा, तंडुल का प्रातिकार्थ का अन्वय नहीं होता है, तंडुल का अम में अन्वय होगा। तंडुलम में दो दो भाग, एक हुआ तंडुल और दूसरा हुआ अम भाग, अम से अर्थ हुआ कर्म अर्थ और तंडुल से हुआ तंडुल रूप अर्थ, और तंडुल भी हमारा जो है वो तंडुल रूप अर्थ वो कर्म है और प्रत्यय से उपस्थित होने वाला जो अम का अर्थ हुआ वो भी कर्म हुआ, तो दोनों का अवैध संबंध होता है, एक नियम है सामान्य विशेष अभिधान में। तो करते हैं तंडुला भिन्नम यत कर्म, तो तंडुल तंडुलम में जो तंडुल है उसका अन्वय होता है अभेद संबंध से, कर्म में अम व्यक्ति का जो अर्थ कर्म होगा अभेद संबंध है दोनों का। क्यों अभेद है, क्योंकि तो तंडुल और कर्म जो है अलग अलग चीज नहीं है, तंडुल ही कर्म है। तो तंडुला भिन्न जो कर्म ये बोध होता है, तंडुलम का क्या बोध होगा, तंडुला भिन्नम यत कर्म। अब जो प्रत्यार्थ अम प्रत्यार्थ जो कर्म है ना उस अम प्रत्यार्थ कर्म का अन्वय किसमें करेंगे,
विकलिति में। तंडुल का साक्षात उछल करके अन्वय नहीं किए, ध्यान दीजिए, तंडुल का हम अन्वय नहीं किए, तंडुल का अन्वय अमर्थ कर्म में, अमर्थ कर्म का अन्वय किसमें कर रहे हैं, विकलिति में, धात्वर्थ क्रिया में, तो प्रत्यार्थ का अन्वय करना है, साक्षात प्रातिपदिकार्थ का और धात्वर्थ का अन्वय नहीं, विकलिति धात्वर्थ है, तो विकलिति जो है वो धात्वर्थ है, तो प्रातिपदिकार्थ का और धात्वर्थ का साक्षात संबंध नहीं होता है, वो विभक्ति द्वारा ही संबंध होता है, माने मीडिएटर के रूप में हमारा अम बैठा हुआ है, अम कर्म, अब अम जो कर्म है तंडुल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तंडुलम, तो तंडुलम में तंडुल का अन्वय अमर्थ कर्म में अभेद संबंध से, और तंडुलाविन्नम यत कर्म, और कर्म का वृत्तित्व निष्ठत्व संबंध से अन्वय हुआ जो है वो आपका विकृति है, तो कर्म का अन्वय होता है फल में, ये बताया था, तो तंडुलाविन्नम यत कर्म तन निष्ठा या विकृति ये बोध होता है। तो अब कहने का मतलब हुआ कि अमर्थ जो कर्म है वो भी हमारा क्या कहते हैं पदार्थ है, तो पदार्थ का हम अमर्थ कर्म का हम अन्वय किसमें कर रहे हैं, विकृति में, विकृति रूप जो फल है। तो कहे भैया जब एक पदार्थ होता ये जो है, दो पदार्थ यदि हम नहीं मानेंगे इसको, तो हम जिस प्रकार से नित्यो घट ये प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि घटत्व में अन्वय होने लगता पदार्थ का एक देश, घट से उपस्थित होने वाला घटक तुम्हें नित्य कांड में नहीं करते हैं, उसी प्रकार से यदि हम जो है फल को अलग पदार्थ न माने और व्यापार को अलग पदार्थ न माने, एक वृंतगत फल द्वैन खंड शक्ति मान करके अलग अलग अर्थ की उपस्थिति दोनों को विशेष मान करके दोनों को अलग पदार्थ न माने, तो हमारा पदार्थ पदार्थे नन्वेती न तो पदार्थ एक देश न, ये नियम यहाँ भी लग जाता कि भैया पदार्थ का एक देश जो है वो पच से उपस्थित होने वाला जो विकृति अर्थ है वो भी हमारा शाब्दबोध ये प्रकार, शाब्दबोध में प्रकार बनता है, मतलब प्रकार है अनुकूलत्व संबंध से, व्यापार में विकृति विशेषण है तो विकृति विशेषण है तो विशेषण प्रकार था तो हमारा भी क्या कहते हैं पदार्थावच्छेदक वो कहलाता, तो उसमें हम कर्म कांड में नहीं कर सकते थे। कर्म कांड में हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग पदार्थ, माने विकृति अलग पदार्थ है, व्यापार अलग पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर पदार्थ पदार्थ नंदी न तो पदार्थ एक देश न, ये नियम यहाँ पर नहीं लगा, तो यहाँ पर ये नियम नहीं लगने के कारण हमारा जो है ग्रामम तंडुलम पचती में, जो हमारा क्या कहते हैं इसी प्रकार से ग्रामम गच्छति में भी, ग्राम का अमर्थ कर्म में, कर्म का उत्तर देश संयोग रूप फल में, सब जगह हर जगह यही लगेगा कि कर्म का अन्वय फल में होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, जैसे देवदत्त, अब तुम कहोगे कि देवदत्त का भी जो है हमारा यहाँ पर जो है देवदत्त करता है, देवदत्त करता का भी हम अन्वय क्या कहते हैं व्यापार में करेंगे, तो देवदत्त करता का अन्वय व्यापार में, कर्ता कर्म व्यापार में होता है, तो ये ध्यान दीजिए जो अभी अभी हमने बताया कि देवदत्त का साक्षात अन्वय नहीं होगा व्यापार में, खैर व्यापार तो विशेष है उसमें अन्वय कर सकते हैं, लेकिन देवदत्त का साक्षात अन्वय नहीं होगा, वहां पर भी व्यक्ति द्वारा ही अन्वय होगा, नियम है कि प्रातिपदिकार्थ का धात्वर्थ में विभक्ति द्वारा ही अन्वय होता है, ये सिद्धांत है, प्रातिपदिकार्थ का यदि विभक्ति नहीं है तो आप साक्षात धात्वर्थ में अन्वय नहीं कर सकते, जैसे तंडुल अपच्यते इत्यादि प्रयोग होने लगेंगे, कभी आएगा तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब होगा प्रातिपदिकार्थ का विभक्ति द्वारक ही धात्वर्थ में अन्वय होता है, धात्वर्थ जो फल और व्यापार उसमें साक्षात अन्वय नहीं कर सकते आप, तो यहाँ पर भी अब ध्यान दीजिए देवदत्त, अब यहाँ पर भी दो कर्ता हमारे होंगे, देवदत्त तंडुलम पचती, तो अभी बताया था पच से हमारा विकलित अनुकूल व्यापार आया, और ती से अर्थ आएगा, तो हमने बताया था ती के यद्यपि चार अर्थ हैं, कौन कौन, कर्ता कर्म संख्या काल, लेकिन यदि कर्तृवाच्य होगा तो कर्ता संख्या काल अर्थ ही ती से आएगा, यदि कर्मवाच्य होगा तो कर्म संख्या काल
तीन अर्थ ही आएगा। तो हम देवदत्त तंडुलम पचती, ये क्या है देवदत्त तंडुलम पचती, ये हमारा जो है वो कर्तृवाच्य का रूप है, इसलिए ती से तीन अर्थ आएंगे, कर्त संख्या काल, ये तीन अर्थ आएगा। तो कर्त संख्या काल जब तीन अर्थ आ गया तीन से, अब हमारा यहाँ दो कर्ता हो गया, एक तीन से उपस्थित हो पचती, ती से भी पच से आया विकलित अनुकूल व्यापार, ती से आया कर्त संख्या काल, क्योंकि कर्तृवाच्य का रूप है कर्म नहीं आएगा, कर्त संख्या काल। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी देवदत्त पचती, तो दो कर्ता हो गए, एक तीन से उपस्थित होने वाला अर्थकर्ता और एक देवदत्त कर्ता, एक यहाँ पर सामान्य कर्ता है और एक विशेष कर्ता है। सामान्य कर्ता कौन है, ती से उपस्थित होने वाला जो अर्थकर्तार्थ है वो सामान्य कर्तार्थ, और देवदत्त विशेष कर्ता है, क्योंकि पचती है कभी चैत्र पचाएगा चैत्र पचती, तो चैत्र देवदत्त आदि विशेष है, सामान्य जो सब सबके साथ लगेगा, तो पचती का जो तीन अर्थ करता है देवदत्त करता होगा, देवदत्त के साथ अन्वित होगा, चैत्र पचती होगा तो चैत्र के साथ तीन अर्थ करता का अन्वय होगा, तीन अर्थ करता में अन्वय होगा। तो इस प्रकार से जो करता होगा, तो देवदत्त करता जो हमारा हुआ वो विशेष करता हुआ, तीन अर्थ जो करता हुआ वो हमारा सामान्य करता हुआ। तो एक नियम है लिख लीजिए, सामान्य विशेषयो हो अभेदान्वय, सामान्य विशेषयो हो अभेदान्वय, सामान्य और विशेष का अभेद संबंध होता है, तो सामान्य विशेष का अभेद संबंध होता है। तो सामान्य को रूप अर्थ कौन है, तीन से उपस्थित होने वाला जो कर्त रूप अर्थ है वो सामान्य कर्ता अर्थ है, देवदत्त रूप जो देवदत्त शब्द के द्वारा उपस्थित होने वाला जो कर्त रूप अर्थ है वो हमारा जो है विशेष कर्त रूप अर्थ हुआ। तो देवदत्त से उपस्थित जो देवदत्त कर्त रूप अर्थ और तीन से उपस्थित होने वाला जो कर्त रूप अर्थ, दोनों का अभेद संबंध हुआ सामान्य विशेषयो अभेदान्वय, तो अर्थ होगा देवदत्त और देवदत्त, देवदत्ता भिन्न जो कर्ता, जो वहां किए थे गामा भिन्न जो कर्म और तद निष्ठा विकृति या तद वृत्ति विकृति, उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। तो देवदत्त क्या करेंगे, कहेंगे कि देवदत्ता भिन्न जो कर्ता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक जो है ना उस एक, यहाँ पर तीन से एक अर्थ हो रहा है, संख्या एक है, ती पचती, पचता होता तो दो अर्थ आता, पचंती होता तो तृत्व अर्थ आता, पचती ती कह दिया तो इसका मतलब एक 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 कर्ता। तो अब जो प्रत्यय से उपस्थित होने वाला जो कर्ती अर्थ है ना, प्रत्यय से जान देना, प्रत्यय से उपस्थित होने वाला जो कर्ती रूप अर्थ है उसी कर्ती रूप अर्थ में तीन से उपस्थित होने वाला जो दूसरा अर्थ है एकत्व अर्थ उसका अन्वय होगा। एकत्व विशिष्ट जो कर्ता, तीन का अन्वय के एकत्व, तीन से उपस्थित होने वाला जो एकत्व अर्थ है और तीन से होने वाला जो कर्ता अर्थ है उन दोनों का अन्वय आपस में होगा। एकत्व विशिष्ट जो कर्ता और देवदत्त का उस कर्ता में अन्वय होगा। तो आप मिला के कह सकते हो देवदत्ता भिन्न जो कर्ता, ऐसा कह सकते हो ठीक। और उस कर्ता का ध्यान दीजिए, तीन से उपस्थित होने वाला जो कर्ता अर्थ है उस कर्ता का अन्वय किसमें होगा, तो हम बताए थे कि कर्ता का अन्वय क्या होता है व्यापार में, तो कौन कर्ता का, तीन अर्थ कर्ता का, देवदत्त कर्ता का नहीं होगा अन्वय, वो साक्षात अन्वय नहीं होगा, वो जो है हम बताए परंपरिया जाएगा, मतलब देवदत्त का तीन अर्थ कर्ता में अन्वय और तीन अर्थ कर्ता का हम व्यापार में अन्वय करेंगे, कर्ता का व्यापार में अन्वय होता है वृत्त संबंध से। तो अब हम क्या कहेंगे, देवदत्ता भिन्न भिन्न के जो कर्ता तद वृत्ति जो व्यापार, वो व्यापार कैसा है, विकृत अनुकूल व्यापार है। तो हम समझते हैं स्पष्ट हो रहा होगा कि इस प्रकार से देवदत्त पचति और जो व्यापार है ना उस व्यापार में काल का भी अन्वय होता है, बताया था काल का, तो पचति में वर्तमान काल है तो वर्तमान काल का अन्वय भी वृत्त संबंध से काल का अन्वय भी किसमें होगा, तो व्यापार में अन्वय होगा। तो वर्तमान काल वृत्ति व्यापार, तो देवदत्त पचति कहने पर क्या होगा, देवदत्त पचति कहने से या पचति कहने से साफ, पहले पचति क्या समझिए, पचति कहने से बोध क्या हुआ, सब जगह एक आ गया तो आपको सब आ जाएगा, पचति कहने से अर्थ हुआ, पचति कहने से अर्थ हुआ पच का अर्थ, बस जानते रहिए
पद का अर्थ है विकृत अनुकूल व्यापार, टी का अर्थ होगा कर्त संख्या काल। तो अर्थ पतति से क्या शब्द बोध होगा, तो शब्द बोध होगा एक कर्तिक वर्तमान कालिक व्यापार, अथवा अथवा संबंध बोलोगे तो ऐसा भी कह सकते हो एक कर्त वृत्ति ही, वृत्ति संबंध से व्यापार में होगा कर्ता का, तिंगर्थ कर्ता का। तो एक कर्त वृत्ति ही, और वर्तमान काल का भी वृत्ति संबंध से व्यापार में, और वर्तमान काल वृत्ति ही व्यापार है, तो व्यापार कैसा है विकृत, तो एक कर्ति तो होगा, अथवा इसको इस प्रकार से कह सकते हो एक कर्तिक वर्तमान कालिक व्यापार, ये पतति का बोध हुआ, और वो व्यापार कैसा है विकृत अनुकूल। तो पतति का शब्द बोध क्या हुआ एक कर्तिक वर्तमान कालिक विकृत अनुकूल व्यापार, ये भी कह सकते हो, कहने तरीका अलग अलग है, ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि एक कर्त वृत्ति ही वर्तमान काल वृत्ति ही विकृत अनुकूल व्यापार, ये पतति का बोध हुआ, पतति कहने से ये बोध हो गया। अब तब तो दत्ता जोड़ दोगे, अब तुम जोड़ते जाओ कर्ता कर्म करण कुछ नहीं, तुमको पतति क्या आ गया तो समझो सब आ गया। गच्छति का भी इसी प्रकार से कहोगे तो तुमको बस धातु का अर्थ जानना पड़ेगा, धातु जैसे गच्छति में है, गच्छति में भी एक कर्ता तो अर्थ होगा, गच्छति में भी है एक कर्ता अर्थ होगा ही, और क्या कहते वर्तमान काल अर्थ होगा ही, तो एक कर्तवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति तो कहना ही होगा, अथवा एक कर्तिका वर्तमान कालिका तो कहना ही पड़ेगा। और गम का अर्थ तुमको जानना है, गम का अर्थ है उत्तर देश संयोग अनुपलब्ध व्यापार, तो तुमको शब्द बोध हो जाएगा एक कर्तिक वर्तमान कालिक उत्तर देश संयोग अनुकूलक व्यापार, अथवा एक कर्तवृत्ति वर्तमान काल वृत्ति उत्तर देश संयोग अनुकूलक व्यापार। इसी प्रकार से तुम धातु का अर्थ तुमको जानना पड़ेगा, फल और व्यापार क्या हो रहा है तुम सारे का बोध कर लोगे। देवदत्त जानाती, जानाती में भी उसी प्रकार से जानाती वृत्ति है तो एक कर्त वृत्ति वर्तमान काल वृत्ति एक है, तो पथतः कहोगे तो कहोगे तो एक कर्त वृत्ति नहीं द्विकर्त वृत्ति, पतंत कहोगे त्रिकर्त वृत्ति, तृत संख्या विशिष्ट जो कर्ता, ऐसा भी कर सकते हो, कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जो मतलब वही कर्ता में तिगर्थ कर्ता में होगा। तो अब तुमको पतत क्या आ गया गच्छति क्या आ गया सब तीन का समझो बोध आ गया, तो शब्द बोध हो गया। अब देवदत्त पतति जोड़े ना तो तुम कुछ नहीं करना है, देवदत्त को का अन्वय किसमें होगा अभी बता दिया, देवदत्त का अन्वय तुमको करना है किसमें, देवदत्त का अन्वय तुमको करना है तीर्थ कर्ता में, ये बताया अभी। तो अर्थ तो किस संबंध से होगा अवैध संबंध से होगा, तो देवदत्त पतति में तुमको कुछ नहीं करना है। अब देवदत्त जो कर्ता हो रहा है उसका तुम अभेद संबंध उसमें जोड़ दो, तो देवदत्ता भिन्न एक कर्तवृत्ति, देवदत्ता भिन्न ये जोड़ना है, चैत्र आ गया तो चैत्रा भिन्न जोड़ना है, देवदत्ता भिन्न चैत्रा भिन्न रामा भिन्न बालका भिन्न जो भी आ जाए कर्ता जो भी तुम्हारा आ गया सबको जोड़ते जाओगे, शब्द बोध आपका होना मैंने स्टार्ट शुरू हो गया, आपको शब्द बोध आवा ही क्या समझिए, आप किसी का भी बोध तुमको बस धातु का अर्थ जानना पड़ेगा फल और व्यापार क्या हो रहा है, ताकि तुमको धातु का अर्थ आप तीन उसमें पड़े ही है, एकदम सरल रीति से मैं जो है इसको समझा रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या, अब देखिए जुड़ता जाएगा और तुमको कुछ नहीं करना है। अब देवदत्त का एक कर्ता में कर दिया, तो देवदत्ता क्या हुआ, देवदत्ता भिन्न एक कर्त वृत्ति वर्तमान काल वृत्ति विकलित अनुकूल व्यापार, देवदत्त पचत क्या, देवदत्ता पचति में पचत क्या जो बोध हुआ उसमें केवल जुड़ा है देवदत्ता भिन्न, चैत्र पचति में चैत्रा भिन्न जोड़ दो, एक कर्ता में जोड़ना, कर्ता में तुमको जोड़ना है, तो देवदत्ता भिन्न एक कर्त वृत्ति या देवदत्ता भिन्न एक कर्तिक वर्तमान कालिक या वर्तमान काल वृत्ति व्यापार, ऐसा तुमको करना पड़ेगा। अब देखो देवदत्त तंडुलम पचति, अब कुछ नहीं करना है, अब तंडुल का भी बता दिया, तंडुलम में दो अंश, तंडुल है अम है, तंडुल का अर्थ हुआ तंडुल रूप अर्थ, अम का अर्थ हुआ कर्म, दोनों का भेद संबंध हो गया, तंडुला अभिन्न जो कर्म, कर्म कर्म कांड में किसमें होता है फल में होता है बताया, तो तंडुला अभिन्न जो कर्म तन निष्ठा जो विकृति तद अनुकूल व्यापार। अब सब देवदत्त तंडुलम पचति में क्या शब्द बोध होगा, देवदत्ता तंडुलम पचति क्या बोध होगा, देवदत्ता भिन्न एक कर्ति वृत्ति, वृत्ति में लाई करते हैं क्योंकि तुमको संबंध भी आ जाएगा, तो देवदत्ता भिन्न एक कर्त वृत्ति,
ठीक। और वर्तमान काल वृत्ति ही तंडुला भिन्नम यत कर्म तदिष्ठा या विकृति तद अनुकूलो व्यापार ऐसा हो जाएगा। अथवा यह भी कह सकते हो देवदत्ता भिन्न एक देवदत्ता भिन्न एक कर्तिक दत्ता भिन्न एक कर्तिक और तंडुला भिन्न कर्म निष्ठ वर्तमान कालिक विकृत अनुकूल व्यापार ऐसा भी शब्द बोध आप कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है अब एक बात टीकाकार कर रहे हैं वो अब आपको समझ में आ जाएगा। क्या कर रहे हैं जो है कि यहाँ यहाँ पर कह भैया यदि एक पदार्थ का, अब यहाँ पर ध्यान देना एक पद के द्वारा, यहाँ पर ये बताइए कि एक पद के द्वारा उपस्थित जो पच है तो पच एक पद के द्वारा उपस्थित जो दो पदार्थ हैं विकृति और व्यापार, तो विकृति अनुकूल व्यापार अनुकूलत्व संबंध है। तो यहाँ पर एक पद के द्वारा उपस्थित होने वाले जो हमारे क्या कहते हैं पदार्थ हैं, तो एक पद के द्वारा उपस्थित दो अर्थों का परस्पर संबंध होगा क्या, ये शंका हो गई कि भैया एक पद के द्वारा आप अन्वय क्या किए, एक पद हुआ पच पद, पच पद के द्वारा उपस्थित जो दो अर्थ हैं, दो अर्थ कौन हुए विकृति और व्यापार, उसका परस्पर अन्वय किए ना, परस्पर आपस में ही तो अन्वय किए, माने विकृति का अनुकूलत्व संबंध से माने जनकत्व संबंध से व्यापार में अन्वय किया, तो परस्पर अन्वय आपने किया। तो संदेह होता है कि जब यहाँ एक पद के द्वारा उपस्थित जो अर्थों का परस्पर अन्वय होगा क्या, तो कहे हाँ होता है, तभी हो ही रहा है यहाँ पर, तभी तो बन रहा है विकृति का हम व्यापार में अन्वय करते ही है, परस्पर अन्वय करते ही है। तो कहे कि भैया एक शब्द है हरि शब्द, हरि शब्द है, तो हरि शब्द यहाँ पर हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, नानार्थक है हरि शब्द, नानार्थक है, तो हरि शब्द के अनेक अर्थ हुए, कौन कौन अनेक अर्थ हुए, तो हरि शब्द के अनेक अर्थ हमारे हुए कि हरि शब्द से विष्णु भी अर्थ होता है, हरि का बानर कप भी अर्थ है, हरि का इंद्र भी अर्थ है, हरि का अश्व भी अर्थ है, हरि के अनेक अर्थ है, तो हरि का इंद्र भी अर्थ है और हरि का अश्व भी अर्थ है। तो जब हरि के हरि का हरि शब्द के द्वारा ही हमारा इंद्र भी अर्थ उपस्थित हुआ और हरि शब्द के द्वारा ही हमारा अस्वरूप अर्थ की भी उपस्थिति हुआ, उपस्थिति हुई हर अस्वरूप अर्थ की उपस्थिति हुई कि जब एक पद के द्वारा, तो जैसे वहां पर पद से उपस्थित विकृति और व्यापार का परस्पर अन्वय किए ना किस संबंध से, अनुकूलत्व संबंध से, उसी प्रकार से हरि शब्द के द्वारा उपस्थित जो इंद्र रूप अर्थ है या विष्णु रूप अर्थ है और एक अस्वरूप भी अर्थ है, तो अस्व पर मान लो विष्णु बैठे हैं, अस्व पर मान लो इंद्र बैठे, तो अब यहाँ पर आधाराधेय भाव संबंध से परस्पर अन्वय होने लगेगा। ये शंका करते हैं कि भैया यदि एक पद के द्वारा उपस्थित दो अर्थों का परस्पर अन्वय आप करोगे तो हरि शब्द के द्वारा उपस्थित होने वाले इंद्र और अस्वरूप जो अर्थ है इन दोनों का भी परस्पर आधार आदि अभाव संबंध से अन्वय होने लगेगा, अर्थात इंद्र अस्त पर बैठे हैं ऐसा बोध होने लगेगा। हरि अस्त कहने से कभी भी हरि बोध नहीं होता है कि इंद्र जो है बैठे हुए हैं अस्त पर या विष्णु अस्त पर बैठे बैठे हैं ऐसा अर्थ कभी बोध होता नहीं है। कहे लेकिन जब आप एक पद के द्वारा उपस्थित दो दो पदार्थों का यदि आप अन्वय करना चाहोगे तो परस्पर दोनों का आधार आवे हरि शब्द के द्वारा उपस्थित दो पदार्थों का परस्पर अन्वय होने लगेगा, तो यहाँ पर भी होना आधार भाव संबंध से अन्वय होना चाहिए। सब कह रहे हैं कि नहीं जी ये दोष नहीं है, दोनों में अंतर है। कहे क्या अंतर है दोनों में, कहे देखिए जहां जो शब्द नानार्थक होते हैं ना, जो शब्द नानार्थक होते हैं वहां पर जो है तो एक न्याय है, नियम है, सकृत उच्चरित शब्द सकृत एव अर्थं गमयति, सकृत उच्चरित शब्द सकृत एव अर्थं गमयति, एक बार उपस्थित जो शब्द है एक बार उच्चरित होगा तो एक बार ही अर्थ का बोध कराएगा,
सकृत उच्चरित शब्द सकृत एवं अर्थ गम्य। तो यहाँ पर हर शब्द एक बार उच्चरित होगा तो या तो अर्थ अर्थ का बोध कराएगा या तो प्रकरणादिना प्रकरणादि जो है संयोगा संयोग विप्रयोग इत्यादि नियम है संयोगादि नियम है वो नियमन करते हैं कि नानार्थक की शक्ति यहाँ पर क्या है। तो प्रकरणादिवस से संयोगादिवस से प्रकरणादिवस से एक अर्थ की ही वहाँ उपस्थिति होती है। वहाँ पर अनेक अर्थ की उपस्थिति एक कालावच्छेद नहीं होती है। अर्थात हर शब्द कहेंगे तो या तो अस्वरूप अर्थ की उपस्थिति हो और या तो विष्णु रूप अर्थ की उपस्थिति होगी या तो इंद्र अर्थ की उपस्थिति होगी। अनेक अर्थ की उपस्थिति वहां पर नहीं होगी क्योंकि वहां पर अलग अलग शक्तियां हैं। माने विष्णु रूप अर्थ की विष्णु रूप जो अर्थ है उसकी विष्णु रूप अर्थ की बोधिका शक्ति जो हरि में है वो अलग है या और क्या कहते हैं इंद्र रूप अर्थ की बोधिका शक्ति जो है वो हरि शब्द में अलग है। इन अस्वरूप अर्थ की बोधिका शक्ति अलग अलग शक्ति वहां पर अलग अलग है अलग अलग शक्ति से। तो प्रकरण आदि का अब शक्ति को नियंत्रित करते हैं कि नहीं भैया यहाँ पर इस अर्थ वाली जो हरि शब्द जो लिया जाएगा एक तदर्थ निरूपित शक्ति विशिष्ट वाला हमको हरि शब्द लेना है अलग हम जो है प्रकरण आदि से यदि हम अस्वर्थ का प्रकरण है तो हम वहां पर जो है अस्वरूप अर्थ में ही कि अस्वरूपार्थ बोध का शक्ति विशिष्ट जो हरि शब्द है वो हमारा अलग है और विष्णु रूप अर्थ की बोध का शक्ति विशिष्ट जो हरि शब्द है वो अलग है। इसलिए सकृत उच्चरित शब्द सकृत अर्थ गमेति। प्रकृत स्थल में ऐसा नहीं है। पचति कहने पर पच से उपस्थित होने वाला जो दो अर्थ है वो दोनों अर्थ जो है एक बृंत कर फलत्वेन खंडता शक्ति बताया। मैंने यहाँ पर जो है शक्ति एक ही है अलग अलग शक्ति नहीं है। जैसे वहां पर विष्णु रूप अर्थ की बोधिका शक्ति अलग है और क्या कहते हैं इंद्र रूप अर्थ की बोधिका शक्ति अलग है अर्थ रूप अर्थ की बोधिका शक्ति अलग है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर शक्ति एक है उस शक्ति से उपस्थित होने वाले अर्थ दो हैं। तो दो पदार्थ हैं पदार्थ दो हैं शक्ति एक है एक ही शक्ति हमारा जो है पच शब्द में है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है दोष यहाँ प्रकृत स्थल में नहीं है दोनों में अंतर है। हरि शब्द में नानार्थक स्थल में वहां पर हमको शक्तियां अलग अलग हैं इसलिए प्रकरणादिवत से नियंत्रण करना पड़ता है। यहाँ पर संयोगादि जो हमारा है संयोग अभिप्रयोग साचर्य विरोधिता इत्यादि जो हमारा प्रकरणादिवत से अर्थ को नियंत्रित नहीं किया जाता है। अर्थात पथ से उपस्थित कभी विकलित अनुकूल व्यापार हो कभी विकृति हो कभी न हो ऐसा नहीं है। वहां पर है कभी इंद्र होता है कभी विष्णु होता है कभी अस्त होता है वहां अलग अलग अर्थ उपस्थित होते हैं अलग अलग प्रकरणाधिपत से। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पच कहोगे तो विकलित अनुकूल व्यापार प्रकृत्यंश अथवा धातुअंश से विकलित अनुकूल व्यापार आएगा ही आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा कोई दोष नहीं है। अभी ये हमने प्राचीन वैयाकरणों के अनुरोध से कहा अभी नव वैयाकरणों का कुछ मत है उसको अगली कक्षा में निरूपित करेंगे। और फल और व्यापार इत्यादि फल किसको कहते हैं व्यापार किसको कहते हैं इत्यादि अर्थ का विवेचन हम जो है वो अगली कक्षा में करेंगे क्योंकि आज जो है हमको यहाँ पर अश्वनी दिखा रहे हैं कि अब समय हो गया है गुरु जी। तो इसलिए हम समझते हैं माता जी कि आज यही समाप्त कर देना चाहिए मैंने आज यहाँ पर जो है विराम लेना चाहिए फिर अगली कक्षा में विद्यार्थी क्या कहते हैं इनकी बात सुन लीजिए। हाँ माता जी बता दीजिए एक बार प्रणाम। हाँ हाँ आशीर्वाद बताए हमारे लिए थोड़ा आप जो बताते हैं वो उच्च स्तर का हो रहा है तो अच्छा जल्दी हो रहा है अच्छा। इन बच्चों का कोई संस्कार नहीं है तो अश्विनी और अश्विनी अनमोल के साथ ये बच्चे नहीं पहुंच सकते इनको मंद गति से चाहिए मतलब कठिन नहीं है बहुत अच्छा चल रहा है बहुत सरल से पढ़ा रहे माता जी आप बहुत ज्यादा सरल पढ़ा रहे हैं पर जो गति है ना एक बात को पकड़ नहीं पा रहे तब तक अगला पहुंच जाते हैं तो बेचारे मुंह देख रहे हैं सब तो इनके साथ विद्यार्थी के साथ ये नहीं पहुंच सकते जी जी माता इनको आप क्या करेंगे
और यदि मंद गति से पढ़ाएंगे तो इनको दिक्कत होगी, अश्विनी लोगों को नहीं दिक्कत तो नहीं, मंद गति से दिक्कत नहीं हो, क्यों होगी मतलब तो आप धीरे मंद गति पदार्थ का भी वेतन हम माने जो सरल से सरल होता है। हमारा ये निवेदन है कि शिष्यानाम उद्देशार्थम वृत्ति रिष्टा विलंबिता। हाँ जी जी माता जी, अच्छा जल्दी हो रहा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्या माता, बच्चे पकड़ नहीं पा रहे, बताओ भाई संदीप लोग, हाँ बच्चे यहाँ बैठे हैं तो नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब बहुत आराम से बोलेंगे माता जी, अब इससे और आराम से बोलेंगे। अब आप कल के व्याख्यान में इसी बात को धीरे धीरे बोलेंगे। अच्छा जी माता जी, क्योंकि ये नहीं पकड़ पाएंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे। हाँ बिल्कुल माता जी बिल्कुल, आगे तो आगे नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे माता जी। आप इसी बात को कल के व्याख्यान में थोड़ा विलंब से बता दीजिए। अच्छा कल कल और आराम से बताएं माता जी ना, ठीक माता जी कल और आराम से बता दीजिए, क्योंकि आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है माई बाप जो पढ़ा सकेगा इनको, इसलिए इनके भाग्य से आप पढ़ा रहे हैं। नहीं माता जी ऐसा विलंबित पढ़ाइए ताकि पकड़ लें, बहुत और आराम से पढ़ा देंगे। ये जो आपके विद्यार्थी हैं पढ़े पढ़ाए इनको बैठने की जरूरत ही क्या है पकड़ में। नहीं माता जी बहुत इसमें नहीं है जो है पदार्थ समझे तो पदार्थ पढ़ाए अश्विनी तो समझता होगा माता जी, और बाकी और हम समझते हैं क्यों अनमोल 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 अस्ति अनमोल है अनमोल अस्ति अस्ति अनमोल, आप इस पदार्थ को सुने पहले सुने हैं क्या? अनमोल नहीं सुने होंगे माता जी, और बच्चे हमारे पास जैसे जो पास में है अनमोल से पूछिए आप अनमोल 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 आगे हम समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ना अनमोल, उनका माइक म्यूट है जी गुरु जी, माइक जो है अपना गुरु जी, हाँ कठिनाई हो रही है क्या? हाँ, गुरु जी आप समझा रहे हैं समझ आ रहा है, हम लिखते जा रहे हैं स्पीड में लिखते जा रहे हैं गुरु जी, और आप सरलता से बता रहे हैं समझ आ रहा है गुरु जी। तो ये पदार्थ आप पहले सुने थे क्या पूछ रहा हूँ? हाँ गुरु जी, राम कुमार शर्मा गुरु जी पढ़ाते थे कक्षा में तो ये सब बताते थे गुरु जी, कुछ कुछ सुना है कुछ नहीं सुना है, अच्छा सुने हुए हैं पदार्थ शब्द के जो अनेक अर्थ है तो उनका परस्पर अन्वय क्यों नहीं होता, जब पंच धातु के दो अर्थ परस्पर अन्वय होता है तो हरि के दो अर्थों का अन्वय क्यों नहीं होता परस्पर बताओ? क्योंकि प्रत्येक अर्थनिष्ठ जो है सकृत बताए माता जी, प्रत्येक अर्थ की बोधिका शक्ति अलग अलग है, जो अभी बोलना दूसरा मत बोलना, इंद्र अर्थनिष्ठ शक्ति निरूपित जो है माता जी, प्रत्येक की शक्ति अलग अलग महाशब्दों में है, बताओ अभी तुरंत परीक्षा मत लीजिए माता जी, परीक्षा लेंगी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे स्तर के हैं जी जी माता, ये कुछ नहीं समझ रहे हैं बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं संदीप जी आप अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता दुनिया में हमारे लिए, किंतु इनको बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, बिल्कुल बहुत धीरे पढ़ाएंगे, ये अबोध बालक समझिए, इस शास्त्र के लिए अबोध बच्चे हैं ये, उनको इस हिसाब से पढ़ाइए ताकि उतना उतना हृदयंगम होता चला जाए, धीरे धीरे आगे बढ़े, जल्दी क्या है हमको? नहीं जल्दी नहीं है माता जी, आपको जल्दी है क्या? हमें कोई जल्दी नहीं, हमें जल्दी नहीं है माता जी, जल्दी क्या? आपसे यदि मैं धातुवा तक पूरा पढ़ लिया ना तो आगे पाने के योग्य हो जाएंगे, हाँ पदार्थ तो आ जाएगा माता जी, हाँ पदार्थ सबसे बड़ी चीज है, पदार्थ नहीं आएगा पद पदार्थ समझ जाएंगे माता जी, फिर भी अब अगली कक्षा में कल जो है एक बार जो है पूरा और नहीं नहीं आप तो व्याख्यान बहुत अच्छा हो रहा है आज तो, आपकी आवाज भी एकदम स्पष्ट आ रही, रोज आवाज धीमी थी, आज क्या किया आपने? नहीं आज अश्विनी ने जोड़ा है माता जी, उस दिन हमने जोड़ा था, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी आवाज आपकी, एकदम स्पष्ट आवाज चली है, कहीं से बातें नहीं हुई, हाँ तो अश्विनी ने आज जोड़ा है माता जी, यूट्यूब में भी चला गया तो सुरक्षा तो हो गया सबके लिए, तो छोटे वाले हमारे बालकों को उनको एक बार फिर पढ़ाएंगे, सेतुराम जी देखिए जो बैठे हैं ये सेतुराम जो पाणिनि कार्यशाला लिखा है ना, ये हमारे आप पास आए हुए हैं, अमेरिका में है डॉक्टर जी 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 माता जी, अच्छा वो नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार उनसे बात करिए माता जी, करो ना भैया अमेरिका में जो हाँ क्या दिक्कत आ रही है आपको तो एक बार बताएंगे तो देखते हैं आप, क्योंकि आपके लिए ही माता जी कार्यशाला कर रही है, ये चिकित्सक है, अच्छा ये चिकित्सक है, ये तो एक करते हैं उसे समझा देना तो कुछ देर लगेगा, तो उसी उसे समझाने से पहले और नेक्स्ट स्टेप ऐसा ऐसा मैं एकदम आराम से बताएं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ऐसा है जल्दी
जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ये कठिनाई है क्या? से चल रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक जो आप समझाते हैं उससे समझाने में कुछ देर लगता है, मैं उससे समझाने से पहले हमें समझने से पहले आप नेक्स्ट स्टेप पे हैं ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि हाँ जी माता जी 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 समझ गए, आपकी बात समझ गए, हम आपसे पूछेंगे भी अब कल से, हम आप ये बात समझ गए, ऐसा करके आप हाँ बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा करेंगे आपसे आपसे हम पूछ लेंगे कि अब आगे बढ़े, ऐसा करके बीच बीच में हम करेंगे, एक चीज बताने के बाद आपसे पूछ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ये पद्धति हम अपनाएंगे। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक ठीक, हमारे एक विद्यार्थियों को हम अनम्यूट कर देंगे तो ये लोग इनको हुकारा भरते जाएंगे। हाँ हाँ जी माता जी, एक एक जो है कोई बोल देंगे हाँ समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे माता जी, एक हुकारा होता है ना हुकारा। हाँ जी माता जी, एक हुकारा लगा देंगे। ठीक माता जी, बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा, बहुत जी माता जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। ये आचार्य जी एक और प्रश्न था, अब रुके प्रश्न है। हाँ आचार्य जी, कोई आप कौन सी टीका आपको पुस्तक का नाम बता दीजिए जो टीका नहीं पहुंचे भैया। हाँ कहते कौन सी टीका, तो हमने बताया प्रभा दर्पण जो है उनकी, प्रभा दर्पण हमारे पास रहता है, हमारे पास जो किताब है वो प्रभा वाली टीका, प्रभा टीका की किताब बता चुके हैं, समझ रहे हैं कुछ और बताने वाले हैं गुरु जी, इनको दिखा चुके हैं, फोटो पर दिखा चुके हैं। हाँ हाँ उसी में से हम वो करते हैं। हाँ वो दिखा दीजिए माता जी, हम आ चुके हैं, इनको फोटो उतरा चुके हैं, इनको लग रहा है कि आपको और कुछ बताने वाले हैं। नहीं हम और नहीं माता जी, माता जी जो कह रही है, माता जी जो कह रही है वही किताब है, ये देखिए ये वाला किताब है, दिख रहा है जी जी। हाँ यही किताब है, माता जी भी यही किताब दिखाई है ना। हाँ ये अभी तरह पन्ना दिखा दो भाई, बालकृष्ण पंचोली वाली जो है। हाँ यही किताब है जिसको गुरु जी कहते थे कि लिखा बालकृष्ण, लिखा सभापति शर्मा ने और नाम है बालकृष्ण पंचोली का, काशी में ऐसे प्रवाद है ना विष्णु जी। जी माता जी, हाँ कहते थे लिखा है सभापति शर्मा ने, लिखा है सभापति शर्मा ने, हाँ हाँ और क्या कर नाम दिया बालकृष्ण पंचोली, यही बताते थे गुरु जी। जी 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 माता जी, पंचोली जी के गुरु जी ने लिखा है, शिष्य का नाम प्रकाशित किया। अच्छा दो बातें हैं माता जी यहाँ स्पष्ट बार करें, अब हम मैंने टीका की बात न कहें क्या, मूल मूल नहीं खूब अच्छा से कही नहीं भाई, नहीं भाई हम लोग कुछ सुन रहे हैं इसलिए जरूर कही आप, नहीं तो फिर जो है ना आगे मान लीजिए हम फल का लक्षण बताएंगे तो फल का लक्षण तो इसी प्रकार से होगा। नहीं नहीं आप सब कही, आप सब कुछ कहिए, पर जो आपने एक घंटे में कहा ना उसको आप तीन घंटे में कहिए। जी माता जी आप बिल्कुल कहिए, इससे अच्छा कौन कहेगा, तीन घंटे में कहिए ताकि ये पकाते जाए बालक हमारे। जी ठीक ठीक है, क्यों भाई बताओ, तुम लोग बताओ अपना मत बताओ प्रीति। नमस्ते आचार्य जी, माता जी सही बोल रही है, व्याख्या बहुत अच्छा सम्यक रूपेण भवति, लेकिन आपके बोलने का वेग कुछ अधिक है, तो जैसे वेग अधिक नहीं है हमारी, उनका वेग अधिक नहीं है हमारी, ग्राहकता शक्ति कम है, हम प्राथमिक स्तर के छात्र हैं, अगर आप थोड़ा सा वेग न्यून कर देंगे तो हम विषय का सम्यक अवगमन कर सकेंगे और फिर आप दूसरे विषय में जब प्रवेश करते हैं तो उसको हम सरलता से समझ पाएंगे और जो उदाहरण है उसको अच्छे से हम अपने साथ पकड़ के लेके जा सकेंगे। जो बोल रही ना विष्णु जी, सऊदी में है, सऊदी अरब में कहा जी माता, कुवैत से बोल रही है, अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला हो गई माता जी, अंतर इंटरनेशनल कार्यशाला इसका नाम दे दीजिए माता। और कौन कौन से अग्नि अग्नि कहाँ, स्विट्जरलैंड में जी माता जी, प्रणाम। स्विट्जरलैंड में माता जी, वसुधा भी अमेरिका में है। अच्छा अंतरराष्ट्रीय जी, आचार्य जी आप इतनी अच्छी तरफ बात कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग तो थोड़ा मंदगति में है अभी इधर, पर अच्छी तरह से मुझको भी, आई मीन इट्स रियली रियली गुड एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हिंदी इतनी अच्छी तरह से मैं बोल नहीं सकती पर तो समझ सकती हूँ, और आपका पूरा प्रयास को ना हम कार्मनिस्ट में होगा, इसमें विष्णु जी 10-12 लोग कम से कम विदेश के हैं। अच्छा दादी, और ये संस्कृत से जुड़े हुए लोग हैं तो इनका उपकार हो बस ऐसा देखना। जी माता जी, कल से करेंगे माता जी। हाँ ठीक हो जाए, ठीक माता जी, प्रणाम प्रणाम।
Thank you.